चलिए सीधा रुक करवाता हूँ अगली खबर से, जो राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। बात करें राजधानी जयपुर की, तो लगातार हम आप सभी को अवैध निर्माणों से अवगत कराते रहते हैं, और आज भी ऐसे ही एक मामले से अवगत कराएंगे जो जोन 12 से सामना आता हुआ नजर आया है। बातचीत करें जोन 12 की, तो जोन 12 के अंदर धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। आप सभी को बता दूं कि कृषि भूमि पर सोसाइटी पट्टे पर सोसाइटी काटी जा रही है, और इसकी शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। यह पूरा मामला राजधानी जयपुर के जोन 12 का बताया जा रहा है, और ऐसे जोन 12 के अंदर कई मामले उजागर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल इस मामले में किस प्रकार से अवैध निर्माण किया जा रहा है और इसके पीछे किसका हाथ सामने आता हुआ नजर आ रहा है, इन सभी की तमाम जानकारी सीधा इस रिपोर्ट से रूबरू। राजधानी जयपुर में लगातार अवैध निर्माणों का सिलसिला जारी रहता है, जिससे कहीं ना कहीं अवैध निर्माणकर्ताओं की बल्ले बल्ले होती रहती है। इन अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाए, तो आखिर कौन अवैध निर्माणकर्ताओं पर शिकंजा कसेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बात करें मामले की, तो मामला जोन 12 से सामने आया है, जहां पर हाथूस रॉयल सिटी के पास में हरिनगर में 15 बीघा कृषि भूमि पर सोसाइटी पट्टे पर सोसाइटी काटी जा रही है, जो कि जेडीए के नियम विरुद्ध है। और इस सोसाइटी में प्लाट की कीमत की बात करें तो 10,000 रुपये प्रति गज बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैक डेट में पट्टे देने की बात भी इसमें सामने आई है, और इस अवैध बसाई जा रही कॉलोनी से जेडीए को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। जेडीए जोन 12 के प्रवर्तन अधिकारी को मामले से जब अवगत करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी कार्रवाई को उनके द्वारा अंजाम अभी तक नहीं दिया गया है। आखिर इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।